जब से 2012 से नाइद ने यहाँ एंट्री करी ना गंगों में घेर बनाया, जब तक इस क्षेत्र का माहौल खराब हुआ करने का वो बुरा हाल था। भाजपा में आने वाले थे ना, तो दिन के दिन जहाज में बैठ के गए, फिर गलत काम करवाए थे मुसलमानों ने। ये क्या कहने थे कि नहीं रहा, मैंने मतलब का अच्छा मुसलमान ही है, जबरदस्ती बनाए गए वो काम बने। फिर आप क्यों नहीं बनाए? सब तो बने ही नहीं करते, सब मुद्दा किस आधार पर इकरा तोड़ दिया समाज ने। नहीं तो अगले हिंदू जोन से उन्होंने रहे बात कर रहे थे मोदी की, वोट दे रहे कहीं और। तो यहाँ तक चौसाना था क्षेत्र हो उनका चालू, इतना बुरा हाल रात ना हम किसी भी टाइम वहाँ जा नहीं सके थे, शाम ने 7 बजे बाद लॉकडाउन लग जाता उस क्षेत्र का। दोस्तों नमस्कार, चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी ये जानने की कोशिश हो रही है कि किस कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान हुआ। अभी हम गांव मोहड़ा और गंगो विधानसभा में हैं, यहाँ कुछ युवा साथी हैं उनसे जानते हैं, ताऊ जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे चुनाव में क्या रहा और किस की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ शिकस्त मिली है। लगभग 72,000 वोटों से प्रदीप चौधरी आ रहे हैं, तो बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम, ठीक हो? हाँ जी ठीक, सब ठीक। के कारण रहा यहाँ चित के चित पड़े? देखो ये तो बिरादरी में सबसे तो बड़ी हार तो यहाँ चौधरीयों के कारण हुई, चौधरीयों ने उसकी खिलाफत करी और उसी कारण तो यहाँ सबसे तो बड़ी हार होने का कारण है। वो तो करते ही तो समाजवादी में, भाजपा में वो तो नहीं, समाजवादी में तो फिर तो भाग गए, भाजपा में आने वाले थे ना, वो तो दिन के दिन जहाज में बैठ के गए, फिर उसके फिर उन तक लालच दे दिया, वो फिर भाजपा में उसमें चले गए, समाजवादी में नहीं छोड़ा। लालच में क्या, कुछ नहीं दिया, बस बात बात हुई। अजी कुछ तो दिया ही होगा, आगे पीछे लालच नू कौन भाग गए, किसी मतलब में ही तो चला आदमी नू कहाँ जाए। और कुछ चौधरी हमारे प्रदीप जो है वो कुछ बढ़िया आदमी नहीं है, काम करने में उतने तेज नहीं है, ढीले हैं। वहाँ आवे भी नहीं थे कहीं, गंगो भी कम से ही आवे थे, इसलिए लोग नाराज थे। आपने किस दी वोट? हमें तो प्रदीप थी दी वोट, तो फिर भी हार गए। हाँ जी हमें तो देनी थी, हम तो मजबूरी थी हमारे सामने, हम मुसलमान नहीं थी, वह उस तो वोट नहीं दे सके, तो सीधी सी बात यह है। साथ तो गुजर है उसका, अपू गया चारों सदन में गया, गुजरों का बड़ा नाम रखा, गुजरों का उत्तर फिर इतना कई चक्कर मैडम मिल जाते गुजर तो पहले थे, इब नहीं रहे हैं गुजर, इब तो मुसलमान लगा दिया उन्होंने अपने साथ, इब तो मैं बिस्तर से बांधो फिर हैं इब क्या रहे बिस्तर से कैसे पीछे कमर पर तबलीक में जाए तो अच्छा। पक्के मुसलमान हो रहे अब तो कट्टर, इब क्या मतलब गुजरों का। पहली बात तो यार 700 साल हम गुलाम रहे, पूरा देश हमारा गुलाम रहा मुसलमानों का भी, और उसके बाद भी आज भी हम अपने उसने भूल गए कल्चर ने, हम हिंदू हैं क्या है, जो कुछ भी हमारे पे बीतती हुआ हमारे आए दिन देती ताल जी बाबा जी भूल गए उसने, फिर गए बने। अच्छा मुसलमान ही है, जबरदस्ती बनाए गए वो कहाँ बने हम। फिर आप क्यों नहीं बनाए? सब तो बने ही नहीं करते, सब जिनमें अपनी कल्चर था वह नहीं बने, जो सो में अपनी वो थी नरमाई थी वो बना लिया उन्होंने छेद पीट के। ये कड़क थे जो से बच रहे हो तो कड़क थे तो अपने भाई क्यों नहीं बचाया आपने? अपने भाई तो बचवे होते, भाई तो थे आपके में, भाई तो थे पर भाइयों ने क्या किक्कर बचाते जब जा कोई खाने पीने के चक्कर में लालच में आ जाए। डर के बन गए लालच में आ गए, डर तो उनको बैठाई दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी हमारे जो ब्राह्मण समाज था इन्होंने हमारा शोषण पहले तो ही कराया, राज भी करते रहे, जैसा हमें कोई गलत काम करवाया दिया मुसलमानों ने, ये क्या कहने थे कि नहीं रहा, मैंने मतलब का तो उन्होंने बने आप डर क्या कह रहे, अपने भाइयों ने डर का, आपका भाई था डर गया कि कर नहीं, वो तो बात वही तो है, सबसे बड़ा शोषण तो ही नहीं कराया हमारा शुरू से ही, किसने? ब्राह्मणों ने। अच्छा ये कहते थे कि नहीं रहा हिंदू मुसलमान का, तुम्हें इतिहास में पढ़ा होगा बीरबल ने अकबर कहा था कि हम हिंदू बन जाएंगे और तो हमें भी हिंदू बना ले, वो कहने ले गया, फिर उसमें नुआन गंगा जी में कहने गया बीरबल भी क्या कर रहा, इसका गधे ने ले गया, गधे की गाय बनाऊंगा, अकबर कहने लगा गाय का गधे की गाय भी बन जाए, फिर मुसलमान तो हिंदू भी नहीं बनता।
और तो भाई ये ऐसी सी कहानी है भाई। धर्म तो नुगा धर्म तो कितने बदल लो, एक दिन में हिंदू बन जाओ चाहे मुसलमान बन जाओ, जो नुगा धर्म कोई ऐसी चीज है कभी भी बदल ले कभी दूसरा बदल ले। धर्म तो जिसमें अपने धर्म के प्रति आस्था है वो थोड़े बदले धर्म अपना, जे मर जाए हकीकत राय था हकीकत राय ने बदला ही नहीं, मर ही गया बहुत हुए ऐसे। ताऊ जी कन्फ्यूज हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा, ब्राह्मणों की वजह से बने या फिर डर के बने। और आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित भाई क्या लग रहा? कैसा जी चुनाव जैसा क्यों आ रहे, क्या कारण लगा? आस्तीन के सांप आ रहा है। आस्तीन के सांप कौन से? नहीं, दो अगले हिंदू जो से उन्होंने रहे बात कर रहे थे मोदी की, वोट दे रहे कहीं और, एक साइड रहो ना या तो इंगे ही रहो या इंगे ही रहो। तुम तो क्या दिक्कत है ये कर रहे? दिक्कत तो है, गंगो में दो दिन हो ही नहीं सबनी में दस चोरी हो ली, दिक्कत किसा होगी? और दिक्कत तो उन्होंने है जिनके मोटर उत्तर सरकार किसकी है यहाँ उत्तर प्रदेश में जा? सरकार तो योगी की है। योगी सरकार लगाओगी या इकरा लगाओगी रोक? एक बात तो बताओ, जोन से में छुपे बैठे इन तो नीचे बिच्छू हैं तो बह रहा होंगे लिकट के बजा काटन। प्रॉब्लम तो उन्हें है जिनके केबिल कट रहे, ये स्मैक की फिर हैं, ये कौन हो रहे हैं, एक रह के चल रही नहीं है और कौन है बताओ? तो मतलब इसका क्या प्रमाण है भाई इकरा के चल रहे हैं? प्रमाण तो है ही, वो सहारनपुर में इमरान मसूद की उसमें वो होया था वहाँ से, वो उन्हें जल्लू सा कैट। तो कई साल पहले मैं देख रहा शामली में जब बहुत सारी वीडियो बनाई, पता लगा कोई और ही है हमें तो नवे ही करा था, मतलब दाश मैक की कार ना किसी और था, मतलब था केबिल कैट लेके ऊपर तक नाल नूल भी तैर ले गए भाई सारा। तो उन थे मिले उन्हें उनकी सपोर्ट में तो कराया मैं तो उस टाइम तो सांसद भी थी ना इधर संजेड में था। नहीं ऐसा नहीं होता है हमारा तो चोरी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, कम से कम 50 वीडियो मिलेंगी। बड़े भाई बिना सपोर्ट के नहीं काम होता है। यानी बाबा था जिब लो तो मैं घूमी थे, बाबा तो इब भी है, इब तो है, इब इलाज करेगा वो, इब कहाँ रुकने लग रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है, जो हिंदुओं ने वोट गिरा जो गलती करी हिंदुत्व के उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, चाहे देख लियो। कैसा फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा सरकार अगर सही आ जाती मतलब पूरी तरह वोट गिरते कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा इन बातों का। क्या फर्क पड़ता है? जैसे अगर भाजपा जत्ती भाजपा तो थी बोलो 10 साल में कराई के क्या नहीं करा बता, क्या नहीं करा? रोजगार कितना दिया? रोजगार दिया भर्ती लग रही कितनी भर्ती आई भाई? जिसमें काबिलियत है वो रुक रहा क्या नु बता मुझे, जिसमें काबिलियत कितनी भर्ती आई? TGT की कितनी भर्ती आई? TGT हर का तो हमें पता नहीं है। मास्टरी की कितनी भर्ती आई? मास्टरी की भी कुछ नहीं आई। आर्मी की कितनी भर्ती आई? आर्मी की ये अग्निवीर की कैड नहीं रखी, 4 साल आ जाएंगे फिर ये क्या करेंगे लोग, क्या करे? तो हर घर में नौकरी तो मिल रही 4 साल में, कहाँ मिल रही? कितने आए, कितने आए, कितने अग्निवीर हैं? दो लड़के गए। कितने सालों में, कई साल हो लिए मोदी जी ने आए ने? मोदी के आए ना तो करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो 10 साल में और भी लगे, लड़के लगे 10 साल में, जिसमें काबिलियत है वो लगी रहे। गाँव में कोई काबिल ही नहीं? काबिल हैं लग नहीं रहे, पुलिस में लगे, रेलवे में लगे। रेलवे की कितनी भर्ती आई? रेलवे की 2-3 भर्ती आई मेरा अगर तो, लेकिन जब हम पढ़ते ही नहीं सरकार की तो गलती काट डे हम, गलती अपनी भी तो है कहीं ना कहीं है भाई। सरकार की क्या गलती इसमें, सरकार तो किसी की लिया अखिलेश की लिया उसमें यादव बढ़ देगा वो मेरिट लगाएगा। यहाँ आपके यहाँ कितने इंस्पेक्टर आए यादव गंगो में? यादव तो बहुत आए यहाँ। कितने आए, एक दो याद बताओ याद करके? आपके कितने सामने कितने प्रोफेसर आए यादव? यादव दो चेहर आए मेरे यहाँ तो प्रोफेसर। चलो ओपलेक्स है भाई, आपके सामने कितने प्रोफेसर यादव आए यहाँ गंगो में? टीचर आए हों आपके आपके समय में? ज्यादा लगे ना कोई यादव ही। SP कितने आए यहाँ यादव? SP मुश्किल थे एक दो, मुश्किल से SHO भी। अच्छा चलो छोड़ो अलग मैटर है वो, उस पर नहीं जाना चाहते अभी, चुनाव के लिए चर्चा कर रहे हैं हम। क्या कारण बने प्रदीप चौधरी के हारने के और इकरा हसन के जीतने के? कारण सब तक बड़ा कारण तो यह है कि हमारा वोट परसेंटेज बहुत कम रहा पिछले चुनाव की अगर तुलना करो आप तो, पिछले चुनाव में 12 लाख प्लस वोट गिरा था जबकि इस बार गिरा 10.5 लाख वोट, 1.5 लाख प्लस वोट तो यहाँ डाउन हो गया पहले ही। दूसरा हमारा 25% हिंदुओं का जो वोट है वो बटा, सभी समाजों का बटा, गुज्जर समाज का ज़्यादा बटा हर दूसरा वो डाउन हुआ 25% और 1.5 लाख पहले ही हमारा नुकसान था। सके आपने देखा होगा वहाँ सामरी हमारा बयान भी था 2 लाख वाला, हम 2 लाख थी जीतते लेकिन 25% का नुकसान हमें अपने समाज तो हुआ, मतलब हिंदू समाज था
और दूसरा 1.5 लाख प्लस जो वोट हमारा डाउन था पहले ही परसेंटेज डाउन हुई उसकी वजह वो सबसे बड़ा कारण रहा चुनाव हारने का। अगर देखी जाए विकास की बात जो 25% वोट की राय करा पाया तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि किस मुद्दा किस आधार पर इकरा तो वोट दिया है समाज ने, मतलब हम पिछले उनकी 4 पीढ़ी इस क्षेत्र ने झेल रही कोई विकास का नाम नहीं है झेल रही। उसका भाई पिछले 12 साल तक विधायक है वहाँ से, 2014 में जब बाबू कम सिंह MP बने थे तो नाहिद वहाँ पे विधायक बना उपचुनाव में, तो उस चुनाव तक लेकर के लगातार 3 चुनाव 17 का चुनाव और 22 का चुनाव लगातार 3 चुनाव जीत के पिछले 12 साल तक वो वहाँ पे विधायक है। आप उस क्षेत्र की हालत देख सकते हो जाकर, आप तो उस क्षेत्र के मतलब नागरिक हो तो आप उस क्षेत्र की हालत देख सकते हो। मेरे तो अंत चौसाना का क्षेत्र हो उनका चालू, इतना बुरा हाल रात ना हम किसी भी टाइम वहाँ जा नहीं सके थे, 7:30 बजे बाद लॉकडाउन लग जाता उस क्षेत्र का, हमारा तो मतलब ही दबंगे जाने का, हमें तो रिश्तेदारी करके भी सिरदर्दी ले लेते उनके की ये भाई बुराई भी आए वहीं जाना तो बुरा था, बुराई तो बुरा तो ज़्यादा दूर नहीं है वो तो थोड़ा इंगी है, वहाँ भी जाना तो बुरा था और सड़कों का इतना बुरा हाल था, बस अगर बरसात से हो जाती नहीं इस टाइम सड़कें ढो ही नहीं पाऊँती, गड्ढों में कहाँ पानी कहाँ सड़क ढोवें, इतना बुरा हाल था। रही बात दूसरी, आप रोजगार की बात कर रहे क्षेत्र में एजुकेशन की बात कर रहे, एजुकेशन का तो उसने जो करना है ना एजुकेशन का तो उन्हें मतलब ही नहीं पता एजुकेशन हो क्या, जिस आधार पर आज नू कह रहे ना ये मेरे समाज के जो भ्रमित युवा हैं भ्रमित गंगा में कोई मतलब शिक्षित नहीं आए, और जो ये शिक्षित होते ना तो बाबू गम सिंह जी ने इतना विकास कराया वहाँ शिक्षा के, उसमें आप देख रहे होंगे बुच्चाघेड़ी में भी इंटर कॉलेज है, कंडेला में भी इंटर कॉलेज है, शिक्षा के हैं तो इतना काम उन्होंने कराया शिक्षा के, उसमें तो क्या कराया उन्होंने 2019 में 18 में जो उपचुनाव हुआ था उनकी लड़की हराई कैराना में, मुरगंग का 2 बार चुनाव हार ली वहाँ विधानसभा का, 1 बार लोकसभा का हार गई। तो अपने समाज ने तो पीछे लग रहे हैं डाउन करण, जिन्होंने समाज में मतलब आगे बढ़ाए एजुकेशन के उसमें क्षेत्र में आगे बढ़ाए, और जिन्होंने इस क्षेत्र में नशा बंटा, क्या नशा बंट नहीं रहा इस चीज़ का क्या प्रमाण है उन्होंने नशा बंटा, नशा कराने तो आया नशा यहाँ सी, कल भी एक लड़का कराने का अरे घाटोपुर का यंका घाटोपुर का मेरे गंगो थाने में पकड़े गए इसमें तस्करी करते हुए, मेरे पास प्रमाण है उस चीज़ का। तो एक बात तो बताओ जी, वहाँ एक आदमी तो वहाँ से यहाँ ले रहा सामान और एक आदमी यहाँ से पहले अड्डे बने, जब से 2012 से नाहिद ने यहाँ एंट्री करी ना गंगो में घेर बनाया, जब तक इस क्षेत्र का माहौल खराब हुआ और कग्गे आरियाँ और मुकीम पुकीम और सारे मतलब इनके सरगना है, मैं तो सीधे सीधे गंगा क्यों, मुझे तो रही बात दूसरी, अगर हम गलत का विरोध नहीं करेंगे ना तो मेरी एजुकेशन का और मेरे मतलब संविधान का मेरे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। रही बात दूसरी, आपने विकास की बात मतलब कोई यूनिवर्सिटी इस मतलब आप तो पहले भी कहा था कि मतलब मुनव्वर हसन 4 सदनों में रहे, उनकी घरवाली जो है वो भी MP रह ली, उनका लड़का जो है 3 बार का विधायक है, इस बार आप ये कह रहे हैं कि मतलब पढ़ी लिखी लड़की है शिक्षित लड़की है, प्रदीप भी कोई अनपढ़ आदमी नहीं था। और रही बात विकास कार्यों की, शिक्षा के विभाग में एक स्टेडियम, एक KV केंद्रीय विद्यालय शामली में, एक औद्योगिक संस्था बीनपुर में और एक राजकीय विद्यालय दूधले में, इन्होंने शिक्षा के विभाग में यूँ काम थोड़ा है, और लगभग 2.5 साल ही मिले प्रदीप चौधरी ने, 2 साल का लॉकडाउन भी राज्य देश में उनके कार्यकाल में। यानी रही बात सड़कों की, बिजली की, पानी की और सुरक्षा की, जो विकास का जो मेन मुद्दा हो ना उन पर काम हुआ शामली में, अगर पिछले 5 साल तक पिछला वो देखो ना वहाँ का वो ठैक है चित्र, तो उसमें सूरत बदली शामली की, शामली में तो लिगड़ना उस पर दिल्ली वाले रास्ते में लिगड़ मिल जाता इतना बुरा हाल था, आज भी लगाया गया शामली में जाम, बताओ करने का वो बुरा हाल था, करने में तो बीच में जाना पड़क रहा था, मैं ऊंचा गाँव अगर जाएँ तो बीच में जाना पड़क रहा था, ऊंचा खेड़ी जाएँ तो बीच में जाना पड़क रहा था, आज कहीं ना निकल जाओ, अगर हम वहाँ से जाएंगे क्या नाम इस पर पानीपत जाएंगे तो एक तो जरूरत ही नहीं हमें कराने में एंट्री करने की, तो पैरों पैर ऐसे जाएं जैसे हवा में लिकट के हूँ, शामली से आने वाला भी 6 गंगों से जाने वाला हो, और गंगों से आप दिल्ली भी जा सको, इतनी बढ़िया सुविधा है, लेकिन कराने से ना हमें कराने की बस नहीं मिलती यहाँ से, शाम के 6 बजे बाद 4 बजे बाद बस नहीं मिलती यहाँ से, कोई मतलब परिवहन का कोई साधन नहीं है वहाँ से, तो क्या कराया सरकार ने,
अगर मतलब किसी भी रू किसी भी तो किस उस पर किस आधार पर वोट दिया ये 25% 30% किस आधार पर दिया। मैंने हमने बाबू गम सिंह 4 साल में हमने फैल कर दिया, उनकी लड़की हरा दी हमने 3-3 बार, और प्रदीप चौधरी हमने 5 साल में हरा कर भेज दिया करो कि भाई ने तो कुछ नहीं काम करा। अरे उस घर ने तो देखो तुम जिनने 4 पीढ़ी मतलब राज कर लिया यहाँ से और उन पर यहाँ से फड़ी नहीं फूटी, तो शर्म तक डूब कर मरने की वह मतलब उस वर्ग की जिसने मतलब 25-30% जो वोट पट रहा सब ने तुम कहता नहीं और सभी हिंदुओं ने वोट गिर दिया, लेकिन जो 25-30% वोट गिर रहा ना उन्हें तो नहीं पता तुम जान लग रहे कहाँ से। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ही रहा कि मतलब भ्रम ही तुम्हारा युवा होया और जीप जाकर इकरार वो जीती, जबकि रही बात मोदी जी की, मोदी जी तो आज शपथ लेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को भी और देशवासियों ने भी कि आज हमें मतलब मोदी जी का 3रा कार्यकाल मिलने जा रहा, और चाहूँगे कि मतलब जो आप कह रहे रोजगार की बात है और भी जो कमी रह रही वही 5 सालों में मोदी जी पूरी, मतलब विपक्ष भी बहुत मजबूत होगा तो काम तो करने पड़ेंगे। इधर कुछ और भाई हो रहे हैं, पहले भाई तो पूछेंगे। हाँ भाई क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अमरीश मोड़ा। अच्छा तो अमरीश भाई आपने क्या लग रहा? मुझे लग रहा था सा जो सरकार बीजेपी रही अब तक 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें देखो जी, एक तो हमारा जो देश है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको बहुत बड़ी पावर शक्ति मिली, और अगर देखा जाए आंतरिक जो अशांति थी उसमें बहुत बड़ा मतलब इस सरकार का योगदान रहा है उसको ख़त्म करने का, खासकर से जैसे जम्मू कश्मीर में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में जो हमारी सरकार है या माननीय मुख्यमंत्री जी है उन पर किसी को कोई संदेह नहीं। आपको पता है सब आतंकवादी या मतलब जितनी भी गतिविधियां थी चोरी डकैत बदमाश भूमाफिया उसको समाप्त कर रहा, मतलब जड़ों ही ख़त्म कर दिया किस्म से। पर सरकार थोड़ा सा जो लचीलापन रहा युवाओं के हित में, थोड़ा सा ही युवाओं के हित में रहा जी। देखो अभी रोजगार न मिलना थोड़ा सा कैसे हो गया? रोजगार न मिलना कारण ये रहा जी, देखो अभी एक एग्ज़ाम अभी फॉर्म आए थे यूपी उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल के RO/RO की वैकेंसी आई थी, और अन्य कहीं जो उत्तर प्रदेश SSC के द्वारा वैकेंसी आई थी उसमें भी क्या हुआ, जैसे कि परीक्षाएँ हुई तो परीक्षा की आंसर की आने से पहले ही पेपर होने से पहले ही 6-6 दिन पहले ही पेपर आउट करा दिया गया। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल पुलिस की भर्ती, मैं अपने भारत की बात करूं किसी भी राज्य की, इससे बड़ी भर्ती आज तक कोई भर्ती नहीं आई थी, और इसमें खत्म होगी वही भर्ती का पेपर। फायदा क्या हुआ? पेपर क्या हुआ जी? आउट हुआ। फायदा तो कुछ नहीं हुआ जी, फायदा नुकसान ही हुआ इसमें। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मिली है, जो सीमाएं मजबूत हुई हैं, पुलवामा जैसे अटैक भी तो हुए? अटैक तो हुए सर, देखो उसको जवाब भी तो दिया गया ना, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की गई। एयर अटैक हुआ ही क्यों? अटैक हुए तो मतलब वही है, यहाँ पर जो सरकार आई बीजेपी की इसको देखना ही चाहते हैं देश वगैरह, जो पाकिस्तान वगैरह है वो चाहता नहीं है। हमारे जो आंतरिक जो मतलब वो कहते हैं जांच भी नहीं हुई आज तक, कोई जांच बैठी उस पर? जो देशद्रोही है मतलब वे करवाना चाहते हैं देश में अशांति। तो सरकार किसकी है जब देशद्रोही में? ये तो देशद्रोही से ताकत दे दो। सरकार बीजेपी की है लेकिन कुछ लोग चंद लोग ऐसे हैं जो जयचंदों का काम करने का काम करे सरकार में, बस सरकार से यही है, बाकी सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रोजगार नहीं मिला, एक वो मतलब फिल्म थी उसमें कहा बस मेरा दोस्त जो है दारू भी लेता है बाकी बढ़िया है, जो अभी खेल लेता है वो भी बढ़िया है। देखो जी इंसान को बाजी भी कर लेता है बढ़िया है, इंसान को हमेशा निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए, जो अच्छाई है वो अच्छाई कहनी चाहिए। आप ये बताओ कितने पेपर लीक हुए यूपी में? उत्तर प्रदेश में लगभग जी 5 पेपर लीक हुए, जिनके 3 के आंकड़े तो मैं आपसे बता रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस, और इसके तो आंकड़े 6-6 दिन पहले पेपर आगे था, और इससे ज़्यादा दुर्गति पेपर की किसी की नहीं हुई। मतलब थोड़ा हमने इस चीज़ का अफसोस है अपनी सरकार पर, हालांकि सरकार हर मुद्दे पर बढ़िया रही। हाथरस का पता आपको? हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में कैसा जी मतलब ये इसके रेप हुआ था वहाँ पे? हाँ वो रेप हुआ था, हाथरस में भी हुआ, हमारे यहाँ भी कई घटनाएं देखने को ही। क्यों हो रही है? तो पहले से ही मतलब ऋग्वेद इसे इसलिए तो लेकर आए ना, इन्हें सरकार बदलने का कारण इसलिए होता है कि मेरे जो काम है हुए नहीं दूसरी सरकारों में होंगे। हाँ जी होंगे, हुए नहीं, हुए नहीं है। एक दूसरी बात यह है जो माननीय विधायक माननीय सांसद जी है हमारे प्रदीप चौधरी जी, देखो बहुत अच्छे नेता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है,
किसी से बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग उनका दुरुपयोग फ़ोटो खींचने में लगा करते हैं, बस फोटो खींचा उनके साथ में और एक अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो क्षेत्रीय मतलब ये सभी गाँवों का जिक्र है जी। अगर उनसे फ़ोटो लगाने का कुछ ऐसी बात कराए कि यहाँ पर स्टेडियम बनवाओ, एक आधा हालांकि उन्होंने अभी जैसे सुनील भाई ने बताया कॉलेज वगैरह बनवाए, सामली वगैरह बनवाए, लेकिन हमारी गुंगो विधानसभा इधर नकुड़ विधानसभा में मतलब कोई ऐसा स्टेडियम वगैरह जिसमें कोई बच्चा पढ़ सके या इस क्षेत्र से कोई खिलाड़ी बन सके, ठीक है जी। रही बात जो इकरासन की आप कह रहे थे, इकरासन कह लो मनोवरासन, जो पूरा परिवार है इसने भी आज तक ऐसा गुजरों के प्रति तो कुछ किया नहीं है। देखो गुजर मानो गुजर है, गुजर का मतलब मेरा वो नहीं है कि गुजर गुजर एक भाई एकता मतलब एकता है, भाईचारे का प्रतीक है और एक अमन 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 के लोग हैं। लेकिन उन्होंने जैसे बताया स्मैक वगैरह ये तो देखो हमने सुनी है कि ये चलता है ऐसे क्या कि मनोवर वहाँ से आई करण से आइए, तो बस मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ये जो पेपर है सबसे बड़ा कारण यही रहा, उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 वैकेंसी थी और उसके लिए 60,00,000 युवा आए थे और उन 60,00,000 इसका मतलब है रोजगार जो है नहीं है। हाँ भाई जी क्या नाम है? अक्षित। अक्षित भाई आपने क्या लगा जो बस जैसा अभी ताऊ जी की बात पाऊँगा मैं और ये कह रहे भाई जो आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है वो पहले वाला और जो देखो हमें तो इतना पता जो प्रदीप है रे उनकी अपनी कमी है जो है रे, ठीक है, क्योंकि ना तो उन्हें आज तक कोई काम करा ना मैं, हम भी 20 साल के हो गए हमें तो कुछ काम दिखे नहीं। दूसरी बात उन पर फ़ोन कर लो, फोन नहीं रखते और जी इलेक्शन थे जो चुनाव थे ना गांव में उन्हें आके देखा ना कुछ करा, मतलब कुछ नहीं है। अगले की बात मास्टर जी क्या नाम है? सेठ पाला जी। तो आप बताओ जैसे तो पहले जब आप आए थे मैं पहले बता दूँ ताऊ जी कह रहे थे कि जो मुस्लिम जो है वो डर के बन गए, आपका क्या मानना है इस पर? मुस्लिम डर के बन गए मतलब समझाने आपकी बात, जो हिंदू गुर्जर थे पहले वो डर के मुस्लिम गुर्जर बन गए, मुस्लिम बन गए मतलब हिंदू? अजी नहीं ऐसा तो मेरे नॉलेज से पहले हुआ होगा, कभी ऐसा तो नहीं कांड रहे हैं, तो वो हिंदुओं ने ही मुस्लिम बना हुआ है, डर रहे कहा मुसलमान, ऐसा नहीं है जो कन्वर्ट हुए हिंदू? समझ नहीं रहा बात क्या कह रहे चले। जो हिंदू गुज्जर थे पहले जी जी। और एक काल आया मुगल काल उसमें वो मुस्लिम बन गए, तो कैसे बने? वो तो डर के बने जो अत्याचार था उनके उत्पीड़न था और किस तरीके से बने वो तो अब भी बनेंगे आगे चल के भी, ये तो बीजेपी कुछ दिन रहेगी ना तो नहीं दोनों सारा मुसलमान बनना पड़ेगा और मुसलमान राष्ट्र होगा जल्दी थोड़े दिन में। कितनी पॉपुलेशन बढ़ी आज़ादी के बाद मुस्लिमों की अभी फिलहाल कितनी है? फिलहाल कितनी है पूरी कंट्री की? 40% पूरे देश में जी। मोदी सरकार की जो वेबसाइट है उस पर 14% 14.78 है, ये जो 40 की आप बता रहे ये कहाँ पे है, कहाँ पड़ी ये पॉपुलेशन टोटल बता रहे जब वोटर की बात होगी? पॉपुलेशन 40% होली मुस्लिम की। आओ कहाँ है जी, किस आधार पर बता रहे हैं आप? वोटर की बात होगी, वोटर 38% हो गए भले ही, छोटी पब्लिक भी तो है जिसका वोट नहीं बना, अभी आने वाली योजना तक बन जाएगा, आने वाले 5 साल तक 40% हो जाएगी। हम यही तो जानना चाह रहा कितने परसेंट बढ़े आज़ादी के बाद सब तक? 6% 38% वो बता रहे भाई ने सुनील। चलो अभी बड़ा कन्फ्यूजन है इस मामले में और देश में इतना मतलब एक डर बिठा दिया गया है देश में, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की या मुस्लिम रिलीजन मतलब इस्लाम की बात की जाए तो उसको मानने वाले 14.78% लोग हैं और हिंदू 78% हैं और ये जो प्रोपगेंडा चलाया गया है गोदी मीडिया के द्वारा जो प्रोपगेंडा चलाया गया है उसमें इतना झूठ डेली परोसा जाता है, इतनी एडिटिंग के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि उसको समझा नहीं जा सकता। बहुत सारे आंकड़े इस पर भी मुझे लगता है एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा और सारे आंकड़े सटीक होंगे, जैसे जो बड़े बड़े चैनल हैं BBC वगैरह द वायर उन सभी के आंकड़े आपको दिखाए जाएंगे और हमने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसमें आवाज़ की कमी रही तो वीडियो चल नहीं पाया, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो और बनाया जाएगा और चुनाव आते जाते रहेंगे, हमें आपस में चाहिए कि हम अपने संविधान को मानते रहें, अपने देश अपने राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो गलत है चाहे वो किसी की भी सरकार हो हमें गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए।
आज हम गांव मोड़ा में थे और ये गंगो विधानसभा का कैराना लोकसभा का गांव है। इकरा सन यहाँ से सांसद बनी है। सभी को उम्मीदें हैं कि काम अच्छे किए जाएंगे, क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे अच्छे काम लेकर आया जाएगा ताकि क्षेत्र की जनता को कुछ अलग लगे। खैर, आप गांव गुआंड के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।